पास अभी एक स्मार्ट पीए है जो लेटेस्ट सेटों में स्मार्ट पीए बोले। इससे पहले इसी आईसी को प्री एम्पलीफायर आईसी या फिर रिंगर आईसी के नाम से फेमस है, लेकिन अभी इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? पहले वाली जो आईसी थी वो ऑडियो आईसी के साथ कनेक्टेड थी, और ये जो है इसके जो सप्लाई है वो किसके साथ है? सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर जितने भी अपन कर दिए सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? सीपीयू से आ रहे हैं। और इसको हम I2S बोलते हैं, इंटर इंटीग्रेटेड साउंड सिग्नल I2S, ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे आप तो दो है हमारे क्लॉक डाटा सप्लाई, ठीक है, और डाटा जीरो, डाटा वन, FS और BCK। ये चार क्या है? ये सिग्नल है। क्या है? सिग्नल। इसके अलावा ये देख रहे हैं आप सारे के सारे ग्राउंड पिंस है, ठीक है, ये सारे ग्राउंड पिंस है। इसके अलावा इसमें एक वोल्टेज आएंगे दोनों, आप देख रहे हैं यहाँ पे VIO 1.8 वोल्टेज कितना है, कहाँ से आ रहा है? पावर एसी से आ रहा है। इसके अलावा जो आउटपुट हमारा निकल रहा है A5 और C5 और D5, पॉजिटिव के दो लाइन हो गए और नेगेटिव की एक लाइन, और DC to DC से इसको VPS चाहिए पहले, तो G5 और G3 में क्या मिलेगा? VPS सप्लाई मिलेगा। इसके अलावा इसी तरह की बहुत सारे ICs रहते हैं जिसमें एक सप्लाई रहेगा आपका INT और एक रहेगा RST रीसेट। INT और रीसेट का भी सप्लाई जो कि कहाँ से आता, हमेशा CPU से ही आता है। तो ये तो हो गई एक रिंगर IC, और ये सारे के सारे नीचे देखेंगे तो पास में वही हमारे कैपेसिटर्स के साथ इसको क्या कर देते, ग्राउंड कर देते, VBST की सप्लाई है, ठीक है। तो ये तो आपकी IC के साथ कनेक्ट ही रहती है। तो ये सारा चीज लिख दिया, लाइन ओपन हो गया, तो सीरीज कंपोनेंट देखो, ट्रैक देखो, IC को देखो, या नीचे का कभी पैड ब्रेक हो सकता, लाइन अगर शॉर्ट हो जाए तो पैरेलल कंपोनेंट, फिर क्या निकालना है? IC, मतलब ये सप्लाई फॉर यहाँ से शॉर्ट है तो ये IC को चेक करना है, यहाँ पे अगर से ये सप्लाई शॉर्ट है तो कौन सी CPU। अब इसे बीच में कंपोनेंट्स किसी किसी में देता, किसी किसी में नहीं देता, और बहुत जगह पे आपको इस तरह का टेस्ट पॉइंट बना के दे देगा चेक करने के लिए। क्या दे देगा? टेस्ट पॉइंट बना के दे देगा। अभी हम थोड़ा DSO से देख लेंगे सिग्नल्स क्या क्या चेक करना है। ये तो बना लिए ना डाटा, कौन सा बनाए? थोड़ा सा ये फोन निकाल के दो मेरे को, आपका थोड़ा बताओ भाई सुबह से क्या क्या बनाए आज अपन ने। रिंगर 16 वोल्ट के 318 रिसीवर, नेक्स्ट इसके बाद माइक्रोफोन हेडफोन, ठीक है, माइक बना लिए, ठीक है, उसके बाद हेडफोन का हेडफोन आपका बताओ और क्या बनाए। इसके बाद ये स्मार्ट पीए का बनाए, स्मार्ट पीए। समझ में आया आपको सारा वाल्व? समझ में आया, ठीक, इधर ठीक है, ठीक है, थोड़ा आपका बता दो। अच्छा बनाए, वेरी गुड। और क्या बनाए? ठीक है, हेडफोन भी बना दिया। आप देखो इसके लिए एक बार क्लैप्स करो भाई, बहुत अच्छा बनाया, नीट, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्रिस्टल माइक बना लिए, हेडफोन, स्मार्ट पी, ठीक है, आपका ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, क्रिस्टल माइक का, हम्म, ठीक है, स्मार्ट पी, ठीक है, और पीछे से, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एक एक ऐसा डाटा शीट बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे को निकालना है GR वैल्यू। क्या निकालना है? बोर्ड निकाल के IC जब निकालेंगे आप तो यहाँ पे सब पे अपने को क्या मिलेगा? तो CPU का कितना GR आता मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, वोल्टेज कब आएगा वो अपने को देखना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया DC to DC कब आता वोल्टेज पता है सबको, पावर जब ये ऑन होगा तब इसका VIO आ जाएगा, ठीक है, और इसका सिग्नल कब आएंगे जब आप गाना प्ले करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम लाइव अभी यहाँ पे DSO है हमारे पास, DSO में हम देखेंगे चेकिंग में कि कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है, ठीक है। ऑडियो के सिग्नल देखेंगे और वोल्टेज कब आता क्या था सारा चीज़ आपको मैं ऑलरेडी बताए सो लिखा है सो एक एक लाइन। तो एक बार हमारे पास यहाँ पे एक मोबाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं भी एक गाना प्ले कर, तो गाना लगाना है, रिंगटोन नहीं लगाना है। रिंगटोन क्या होती है आपकी, थोड़ी देर के लिए आके ये चेक करे करे तक बंद हो जाती है। अभी गाना रुके हुआ है, क्या है? तो सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर, इसको डालो कैमरे पर, डाल देंगे इसको HDMI में डाल देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर भी दिखाता हूँ मैं आपको और DSO भी बताता हूँ। देखो ये DSO आपके तरफ पलट गया,
और ये मल्टीमीटर भी आपके साइड ही पलटा देता हूँ। ऑन है मल्टीमीटर, ठीक है। सबसे पहले नीचे वहां पे आराम से बैठ के देखो, सुकून से, ठीक है। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है स्पीकर, इसको मैं निकाल दिया रिंगर को। तो यहाँ पे क्या दिख रहे अपने को, दो टिप्स दिख रहे इधर पे। अब सबसे पहले मैं हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ, ब्लैक ग्राउंड करेंगे और रेड से क्या देखेंगे, वोल्टेज, क्या देखेंगे, देखो क्या वोल्टेज आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा इस साइड में, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो हो गया वोल्टेज की बात। अब देख लेंगे सिग्नल, सिग्नल के लिए ब्लैक ये वाला रहता है इसका ग्राउंड पिन, क्या रहेगा, और इससे हम सिग्नल चेक करेंगे। तो ग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे एक जम्पर मार दिया, कर सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे देखो वही टिप्स पे लगा रहा हूँ, कुछ आ रहा है इधर पे, अब इधर पे ना तो वोल्टेज आ रहा है तो सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये तो समझ गया ना। अब ये वापस से लगा दिया मैं, थोड़ा गाना प्ले कर लेंगे। गाना आ रहा है, अभी चल रहा है गाना, देखो अभी तक चल रहा है, ठीक अभी भी है चल रहा ना गाना। अब मैं यहाँ से जैसे इसको हटा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वोल्टेज, देखो यहाँ पे लगाया, आया वोल्टेज किधर आया, इस टिप्स पे। अब वापस सही साइड में भी लगाएंगे, आया वोल्टेज, चलो अब हम क्या देखेंगे, ऑडियो का डाटा देख लेंगे, आ रहा है। अब इस साइड में लगा रहा हूँ, ये देखो इस साइड में आ रहा है। अब तुम बोलेंगे सर ये ग्राउंड का तो नहीं है, तो ये देखो ग्राउंड पे लगा रहा हूँ, कहाँ लगाया अभी मैं, अब बच्चे बोलते सर ग्राउंड का नहीं पता, घुमा दे रहे। अब देखो यहाँ पे इधर आ गया वोल्टेज और ये ऑडियो का डाटा, कब आएगा, गाना बजाएंगे जब तक रिंगटोन आपका आवाज साउंड निकालता रहेगा। दोनों साइड भी आ रहा सेम सेम, देखो ये हटा दिया, नहीं आ रहा नहीं, अभी लगाया हटा दिया, नहीं अभी आ रहा है। इस तरीके से ये आपको क्या देखना है, ऑडियो के सिग्नल। तो ये आप यहाँ भी देख सकते, ये आईसी के पास भी देख सकते, कहाँ पे, अब इसका जो आईसी लग के है पीछे सीपीयू के साइड लग के है, तो इधर पे कहीं पे देख सकते क्या अपन, यहाँ तो दिया नहीं एसी, समझ रहे। अब इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते, ये जो है ना आपका ये कनेक्टर से होते हुए नीचे जाता, तो इस कनेक्टर में भी आपको देता है सप्लाई कितने नंबर पे आ रही है, तो वहां पे भी देख सकते। एक तो हो गया ये, अब मैं गाना तो चल रहा था हमारा, अब गाना फिर से रोक दिया, ठीक है, गाना रोक दिया, फिर से देखेंगे तो फिर से क्या हो जाना चाहिए, हमारा वोल्टेज भी चले जाना चाहिए, यहाँ पे गया इधर, अब फिर सिग्नल भी चेक कर लेंगे, ये लगा दिया ग्राउंड, गया इस साइड में, टच कर रहा हूँ ना हवा में रखा मैं, पक्का ये देख लिए। अब एक और एक चीज, मोबाइल में हमारे लाइट है अभी, है ना, नेक्स्ट और कहाँ देखना, मैं जो चीजें बताया था आपको, ये हमारा है लाइट का डायोड, दिख रहा है ये, अब देखो यहाँ पे लगाया मैं, आया था थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, ये हो रही है स्विचिंग, अब हटा दिया मैं, हो रही फिर से लगा रहा हूँ, देखो हो रहा है स्विचिंग। ऑडियो में वहां देख लेना और लाइट सेक्शन में कहाँ पे देखोगे, डायोड के पास। ये कॉयल जो है आपका इसी के साथ कनेक्ट रहता और यही सप्लाई हमारी आईसी के साथ कनेक्ट रहती, तो अगर ये ट्रैक आपका ब्रेक हो गया, समझ रहे, ये ट्रैक ब्रेक हो गया तो वोल्टेज आपका ऐसा 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 निकल के चले जाता, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही। देखो यहाँ पे पता चल रहा स्विचिंग हो रही। अब यहाँ पे देखो एक हमारा है लो, ये वाला बूट कैप, कौन सा बूट कैप में देखो, मैं आपको लिखाया था दोनों साइड में क्या होगी, अभी हो रही क्या स्विचिंग, देखो नहीं हो रही ना, तो करना क्या पड़ता है इसमें, चार्जर, क्या करोगे, चार्जर किधर है हमारे पास, ये हो गया चार्जर। अभी मैं जैसे ही यहाँ पे चार्जर लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हो रहा है स्विचिंग, इस साइड में होगा हमारा कॉइल वाला स्विचिंग, कॉइल है ना वीपीएच, अब उस साइड में जो होगा फीडबैक वाला स्विचिंग,
ये ऊपर की तरफ दिख रहा है दोनों साइड क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा करके देखना है, अड़िया थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं आप इसको इस तरीके से, थोड़ा छोटा करना है या थोड़ा बड़ा करना है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा स्विचिंग हो रहा है इस तरीके से आपको देखना है। बूट कैप पे देख लो, अब ये कॉइल पे भी होती है लेकिन जगह है क्या चेक करने, ये तो साथ में कनेक्टेड है ना इसके, यहाँ देख लो या यहाँ पे देख लो, इसका देखना है यहाँ देख लो या इस कॉइल के पास देख लो, और रिंगर का देखना है तो कहाँ देख लोगे, ये टिप्स पे भी देख सकते हैं, इसमें भी आता हमारे को गाना बजा के, कहाँ पे गाना बजा के, अगर रिंगर का आप नीचे टेस्ट पॉइंट पे नहीं देखना, ऊपर ही पहले चेक करना है आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हम ये देखेंगे पहले कि यहाँ पे रिंगर के कितने नंबर पे आ रहा है कनेक्टर पे, किधर गाना बजाइए कनेक्टर पे देखो, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं ये स्विचिंग देख सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा टच का पत्ता इधर ही से है तो पहले मैं इधर से गाना पत्ता लगा के टच का इधर दिया ना बदमाश, चलेगा चलेगा, पहले अगर निकाल के खोलते तो नहीं चलता, चलो गाना बजा दिया स्टार्ट हो गया, अब पत्ता निकालेंगे ये वाला हटा दिया, अब वापस से किधर था हमारा फर्स्ट वाला आ गया, ये और ये दोनों भी थे या इधर देख लो या गया सर नीचे इधर है और ये ऊपर वाला भी दोनों है ऊपर नीचे के, ये वाला भी है और बाल वाला भी है, ये देख ये है ये दोनों ऊपर के और ये दोनों नीचे के आ रहा है। अब तुम पट्टा अंदाजे पे चेंज कराते नीचे वो चेंज कराते ना, तो ये देख लिया तो तुमको पता सही है कि नहीं मालूम हो जाता, ऊपर आ रहा है यहाँ तक लेकिन नीचे तक नहीं आ रहा, तो फिर तुम आईसी पे काम नहीं करना है, अब पापा अंदाजे पे अगर तेरा पत्ता डाल के देख के आ रहे जा बोल के भिजाते हो उसको बच्चे को बेस्ट है, तो ये चेक कर ले सकते है क्या हो रहा है उस टाइम पे, वहां पे फिर स्विचिंग होगी समझ रहे, मतलब वन साइड कॉइल रहेगा तो स्विचिंग होना ही छोने, लेकिन उसमें वोल्टेज आएगा कब, जब स्विचिंग होगी, जब वो एक्सी एक्टिवेट होगी, ठीक है कुछ कुछ